नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्रवण परमा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुली। इस नए वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक नोटिफिकेशन भर्ती के लिए जारी किया गया है। मैं उस भर्ती की संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए शुरू से अंत तक देने वाला हूँ। यह नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा 16 जनवरी 2023 को आउट किया गया है। CSPGCL द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित संकायों में ITI उत्तीर्ण एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु यहां पे भर्ती निकाला गया है। यहां पे 7 अलग अलग ग्रेडों के लिए यहां पे वैकेंसियों की संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 105 यहां पे आउट किया गया है। यहां पे जो शैक्षणिक योग्यता होने वाला है, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां पे SCVT और NCVT से जो अभ्यर्थी ITI किए होंगे वे सभी यहां पे पात्र होंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आप सभी लोगों को 7,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। भर्ती के लिए यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दिया गया है जिसके अधीन आप सभी लोगों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। आरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन यहाँ पे किया जाएगा। चयन प्रक्रिया, यहाँ पे पात्र उम्मीदवारों का चयन अहरकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे ITI में जो भी आपके प्रतिशत होंगे उसके आधार पे एवं आप सभी लोगों का साक्षात्कार भी लिया जाएगा। तो जो साक्षात्कार लिया जाएगा वह ट्रेड के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, तो आप सभी लोग तैयारी कर लेंगे। यह सिर्फ एक वर्ष का मात्र प्रशिक्षण है, यह किसी भी प्रकार का रोजगार हेतु यहाँ पे आप हकदार नहीं होंगे। जो अभ्यर्थी पहले इस तरह का अप्रेंटिस प्रशिक्षण कर लिए होंगे वे यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, या अभी वर्तमान में जो कर रहे होंगे वे भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का ITI उत्तीर्ण किए 3 वर्ष से अधिक हो गया होगा वे सभी यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए आप सभी को NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन पत्र ऑफलाइन है, तो आप सभी लोगों को आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है उसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यालयीन समय जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग पे दिए गए पते पे अपने समस्त संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित प्रति के साथ आवेदन फॉर्म को आप सभी लोग भेजेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह आपका आवेदन पत्र है। इसका आप सभी लोगों को प्रिंट आउट 2 पेज का है, किसी भी दुकान से निकलवा लेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से स्पष्ट अक्षरों में आप सभी लोगों को भरना है। यहाँ ऊपर में देखेंगे पासपोर्ट साइज का फोटो लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने फोटो चस्पा करेंगे। आप उसे स्व सत्यापित भी कर सकते हैं। यहाँ पे ITI वाले जो अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे इस प्रकार टिक कर देंगे। NAPS पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कौन सा ट्रेड है वह आपको यहाँ पे फिल करना है। हिंदी में अपना नाम, उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में अपना नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, सबसे पहले दिनांक, उसके बाद माह, उसके बाद वर्ष आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका आयु 1/4/2023 के अनुसार दिनांक, माह और वर्ष क्या होगा वह आपको फिल करना है। यह पिछले साल की भर्ती का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे यह फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम ही है, भरा हुआ फॉर्म है। इसलिए आप सभी को कैसे भरना है यह मैं बता रहा हूँ। पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप सभी लोग पोस्टल पिन कोड के साथ फिलअप करेंगे। उसके बाद श्रेणी आपका कौन सा है वह यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता में अपना 10वीं 12वीं और ITI का यहाँ पे आपको इसी तरह फिलअप करना है। जो अभ्यर्थी SCVT के होंगे वे यहाँ पे SCVT फिल करेंगे, जो NCVT के होंगे सिर्फ NCVT फिल करेंगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी जो कि एक्टिव एंड वैलिड हो यहाँ पे फिलअप करना होगा। इस प्रकार आप सभी को क्रमबद्ध नोटिफिकेशन में जो संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची दिया हुआ है उसके अनुरूप यहाँ पे इसी प्रकार आप सभी लोगों को लिखना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ITI NCVT से कर रखा है वे सभी अपना मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट दोनों फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। साथ ही जो आप लोग NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका छाया प्रति भी यहाँ पे आप सभी लोगों को अटैच करना है। अप्रेंटिस पोर्टल का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप अपने प्रोफाइल का जो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल पूरा दिखाई देता है यहीं पे आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, इसका ही आप सभी लोगों का फोटो कापी फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके बाद नीचे आवेदक का हस्ताक्षर और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। घोषणा पत्र में इसी प्रकार आप सभी लोगों का अपना नाम, पापा का नाम लिखना है। उसके बाद जिस डेट को आप अपना फॉर्म को भेजेंगे वह यहाँ पे दिनांक डालेंगे और स्थान डालेंगे। उसके बाद पुनः यहाँ पे आवेदक का पूरा हस्ताक्षर एवं नाम फिल करना है। एक और भर्ती CSPGCL के द्वारा जारी किया गया है जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं स्नातक अप्रेंटिस के लिए 4 अलग अलग ब्रांच हेतु यहां पे टोटल 67 पद आउट किया गया है। यहां पे अहरकारी शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए, अभ्यर्थी पात्र होंगे। यहां पे ट्रेनिंग के दौरान 9,000 प्रति माह आप सभी लोगों को स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 4 अलग अलग
विषयों हेतु यहाँ पे टोटल 67 पद आउट किया गया है। यहाँ पे अधिकारी शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत राज्य के तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपये प्रतिमाह आप लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। इसी तरह स्नातक सामान्य संकाय अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे भर्ती निकाला गया है, जिसमें बीएससी बीसीए और बीबीए किए हुए अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 30 है। अधिकारी शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक होना चाहिए। इन्हें 9,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर प्रदान किया जाएगा। बीएससी बीबीए और बीसीए के जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे, यदि आप सभी लोग एनएटीएस पोर्टल में न होने की स्थिति में भी ऑफलाइन आवेदन बिना एनएटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर के कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को एनएटीएस रजिस्ट्रेशन हेतु सूचित किया जाएगा। और जो नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है या आईटीआई के समकक्ष ही है, जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप सभी लोग इसे देख लेंगे। यहाँ पे जो डिप्लोमा डिग्री के अभ्यर्थी हैं, वे सभी लोग एमएसआरडी एनएटीएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसे आवेदन फॉर्म में भरना है और उसका एक प्रति आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न भी करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप आप सभी को नीचे देखने को मिलेगा, आप सभी लोग इसका प्रिंट आउट करा लेंगे। और जैसा मैंने पूर्व में आईटीआई वाले लोग के लिए भरने के लिए बताया है, सेम उसी तरह इस फॉर्म को भी भरना है। थोड़ा सा अलग हो सकता है, यहाँ पे एनएटीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, और यहाँ पे आप जो डिप्लोमा वाले होंगे और यहाँ पे जो ग्रेजुएट वाले होंगे, यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में यहाँ पे एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी लोगों का संलग्न करना है। एनएटीएस पोर्टल पर जब आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस प्रकार का आपका प्रोफाइल दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका आईडी दिखाई देगा, इस आईडी को आपको अपने फॉर्म में फिलअप करना है और इसी का प्रिंट आउट भी फॉर्म के साथ संलग्न करना है। आईटीआई कैंडिडेट अपने फॉर्म को ऑफलाइन डाक के माध्यम से 16 मार्च 2023 तक, जो कि अंतिम तिथि है, उसके पूर्व तक भेज पाएंगे। जो अभ्यर्थी स्नातक और डिप्लोमा वाले हैं, वे सभी अपने फॉर्म को 3 मार्च 2023 तक, जो कि अंतिम तिथि है, डाक के माध्यम से भेज पाएंगे। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरने के बाद और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सभी डॉक्यूमेंट को स्वसत्यापित अटैच करने के बाद इस प्रकार लिफाफा में आप सभी को प्रेषक के अंतर्गत अपना पता लिखना है और प्रति में जो एड्रेस दिया हुआ है उसे आप सभी को इस तरह लिखना है। लिखने के बाद आप सभी लोग डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा अपने फॉर्म को भेज सकते हैं। लगभग 42 या 45 रुपये चार्ज लग सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही जो लोग सेल भिलाई स्टील प्लांट का अप्रेंटिसशिप वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वे सभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।